टीकमगढ़ में छेड़खानी कर मौके से फरार हुए अज्ञात युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हम आपको बता दें कि नगर की नंदेश्वर कॉलोनी में बाइक सवार युवक ने लड़की के साथ छेड़खानी करने का पूरा घटनाक्रम सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया था। पुलिस ने आरोपी को सीसीटीवी के आधार पर गिरफ्तार किया है। शहर की सबसे घनी नंदेश्वर कॉलोनी में एक लड़की अपने घर जा रही थी, तभी सुनसान गली देखकर बाइक सवार लड़के ने पहले तो लड़की को टेक ओवर किया और कुछ ही पलों में लड़की की ओर वापस आकर बगल से निकलते हुए लड़की के साथ छेड़खानी करते हुए तेजी से भाग गया। वहीं घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। कोतवाली पुलिस द्वारा मामले की गंभीरता को समझते हुए मौके पर पहुंचकर मौका मुआयना किया और आरोपी की तलाश में जुट गए, जिसके चलते पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की गई। टीकमगढ़ से सुबोध पाठक की रिपोर्ट। मीडिया पर वायरल हुआ था, इसके बाद सर आज आरोपी को पकड़ा है। क्या नाम है इसका, कहां से पकड़ा है, इसकी प्रोफाइल क्या है? ये 27 नवंबर को नंदेश्वर कॉलोनी में छेड़छाड़ करते हुए वीडियो रिकॉर्डिंग हुआ था। इसमें तब से इस अज्ञात आरोपी की गंभीरता से तलाश की जा रही थी, जो आज पुलिस अभिरक्षा में है, जिसका नाम है सूरज पिता अजुद्दी कुशवा, जो करीबन 18 साल का है, ग्राम अनगेड़ा का रहने वाला है और 10वीं तक पढ़ा लिखा है। लेकिन इससे पूछताछ करने पर ये जानकारी जरूर सामने आई है कि ये पूर्व में भी ऐसी घटना कर चुका है, लेकिन लोग जो है लोग लाज के कारण इसकी शिकायत नहीं कर पाए थे। आज भी अभिरक्षा में लेके पूछताछ जारी है और पुलिस विभाग चाहता है कि उसके साथ गंभीरता से कार्रवाई करके उसको सजा दिलाई जाए। सर, इसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड है, पिछला कोई रिकॉर्ड सामने आया है इस तरीके की घटना की, कोई मामला दर्ज हुआ है क्या इसके खिलाफ? अभी तक जानकारी में लोकल थाने में तो कोई अपराध पंजीबद्ध नहीं है, अन्य जिले के थानों से हम जानकारी ले रहे हैं। सर, जैसे और भी शहर में जगह इस टाइप की अपराध लोग घटनाओं को अंजाम दे रहे, तो उसमें कोई सर्चिंग की जाएगी क्या अभी? अभी एक तो नया सिस्टम ये है कि पुलिस विभाग की ओर से और ऐसे सार्वजनिक जगह जो अपने कस्बे में है वहाँ सीसीटीवी फुटेज हेतु जो है वो सीसीटीवी कैमरे हेतु जगह हम तलाश कर रहे हैं और कैमरे लगा के हमारे सीसीटीवी कंट्रोल रूम से निगाह रखी जाएगी। सर? और बाकी जो है जैसे कोचिंग सेंटर है उसमें हमने ये कहा है कि वहाँ जो है पुलिस गश्त बढ़ाई जाए। ठीक, धन्यवाद सर। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 News। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।